नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस समारोह पर आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी 23 मंडलों में मनाया। जगदलपुर विधानसभा कोर कमेटी के संयोजक सुरेश राव ने कहा कि भाजपा के लिए आज बेहद खास दिन है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा, सिंहभूम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से जिताना है। अब खबर विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस समारोह पर आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी 23 मंडलों में मनाया। जिला कार्यालय चाईबासा में जिला अध्यक्ष संजू पांडे, सांसद सह भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ कुमार गागराई और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी का झंडा फहराया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया और सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाया। पार्टी के सिंहभूम जिला के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय शुभनाथ देवगम की पुत्री मंजू देवगम, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव, स्वर्गीय रुद्र प्रताप सारंगी के पुत्र पप्पू सारंगी, पूर्व विधायक स्वर्गीय पुत्कर हेम्ब्रम की पत्नी विमला हेम्ब्रम, बुजुर्ग कार्यकर्ता विजय अग्रवाल और रामजी तिवारी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जिले के चक्रधरपुर में दिलीप साव स्मृति भवन में विधानसभा कोर कमेटी के संयोजक सुरेश राव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। यहाँ पर पहले भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर भाजपा नेता विजय मेलगांडी, शेष नारायण लाल, संजय मिश्रा, संजय पासवान, परमेंद्र चौहान, अश्विनी प्रमाणिक, राजू कसेरा, दीपक सिंह, अशोक दास, राकेश रंजन, राजेश गुप्ता, विवेक कुमार, परमेश मंडल, गौतम रवानी समेत भाजपा ही मौजूद थे। संचालन भाजपा नेता विनोद शर्मा ने किया। भाजपा नेता सह संयोजक सुरेश राव ने कहा कि भाजपा के लिए आज बेहद खास दिन है। भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समृद्ध एवं स्वावलंबी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। वर्तमान देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर हमें भाजपा का प्रत्याशी गीता कोड़ा को ऐतिहासिक मतों से जिताकर एक कमल दिल्ली भेजना है और सभी कार्यकर्ताओं को आज संकल्प लेना है। अब आइए देखते हैं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ कुमार गागराई, सांसद सह भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करने के आपने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक नया इतिहास बनाने का काम किया। जब मैं कार्यालय में आया तो मैं विनोद भैया को मिले, तो मैं आपसे मुझे पहले आना चाहिए था, क्योंकि उस समय में बहुत शुरू से उन्होंने पार्टी में देखा है। अगर आप देखेंगे 11 बजे रात में लौट रहे किलीगुरु से, फिर सवेरे रहते बोलते कि सुबह को 7 बजे चाईबासा आना है, सुबह 7 बजे पहुंचते हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति को अगर कोई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं विनोद, आप सब कोई याद होगा 1999 में जब लोग जुड़ते जाते हैं, आज पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उसको उसके विचारधारा ने, उसके कार्यकर्ताओं ने उसे आज इतना बड़ा बनाया है। जितना हम सभी, क्योंकि प्रकृति के बीच में हम सभी रहते हैं, तो प्रकृति का एक नियम है कि जितना बड़ा पेड़ हो, जितने उसमें फल लगे हो, वो उतने ही झुका रहता है। ये हम सब पर भी यही चीज़ लागू होती है कि पार्टी जितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमें, क्योंकि संगठन ने यही सिखाया कि हमें पूरी विनम्रता के साथ से आगे बढ़ाना है। और आज कल क्योंकि हम चुनाव के दौर में आ गए हैं, ये चुनाव हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये स्थापना दिवस है तो पार्टी को मजबूती देने का काम भी यही चुनाव करेगा। और जैसा संजू जी ने भी बहुत सारी चीज़ें विस्तार में बताई, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस स्थापना दिवस पर हम सभी संकल्प लें, पार्टी को और मजबूत करें और आगे बढ़ाएं हम सभी, और इस स्थापना दिवस के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का काम करें। आज तो काफ़ी जगह कार्यक्रम सब भी चल रहा है और आज जिस तरह से लोगों का अपार समर्थन और प्यार स्नेह मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का लगातार संघर्ष है। और भारतीय जनता पार्टी खुद एक संघर्ष से उपजी हुई पार्टी है,
और मैं तो इस पार्टी में कहूँगी कि ब्याह कर आई थी, क्योंकि 2004 में जब विवाह हुआ तो समय मधुबुरा जी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और बहुत स्नेह मिला। और यहाँ आज विनोद श्रीवास्तव जी मैं तो इनको अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि उस दौर में 2009 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो कोड़ा जी भी नहीं थे, लेकिन श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कई बारीक चीज़ें बताई कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से कार्य करना है। तो आज मैं भी कह सकती हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये ऐसे संगठन करता है आज जिनके वजह से हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी बहुत बड़ी है, लोग इसके काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले दिनों में भी पार्टी के सामने जो चुनौतियाँ होंगी हम सभी मिलकर उसे लड़ेंगे। और आदरणीय मोदी जी का जो सपना है 370 और 400 पार, ये हम सभी मिलकर इसे पार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को शुभकामनाएं देते हैं। समझौता करने का काम नहीं किया, जनहित में और राष्ट्रहित में हमेशा अपनी नीतियां बनाने का काम किया, उसके बाद पुनः आज ही के दिन 1980 को भारतीय जनता पार्टी बना और उसके पहले प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उस समय कोई नहीं जानता था कि पार्टी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, लेकिन दो महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो नीतियां बनाई थी उस नीति पर पार्टी ने चलने का काम किया था। आप सबको याद होगा देश में जब दो प्रधान दो निशान जब कांग्रेस ने चलाया था, दो विधान, जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होता था, भारतीय देश का अलग, उस समय कोई नहीं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में बनेगी या नहीं भी, लेकिन लड़ाई लड़ने का काम और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनेगी दो निशान दो प्रधान दो विधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आने वाले इस कालखंड में अभी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है इन्होंने धारा 370 को हटाने का काम किया और देश में एक निशान एक विधान और एक प्रधान के काम पर स्थापित करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने नीति सिद्धांतों से कभी भी नहीं हटती है और कितना भी कष्ट है उससे विचलित होने वाला नहीं है। साथियों आज वही एकांत मानव दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि भारत में रहने वाले भारत का गरीबी का पैमाना क्या होना चाहिए, भारत की गरीबी का पैमाना उच्च स्तर के लोगों से नहीं मापा जाना चाहिए बल्कि अंतिम पायदान में रहने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे गांव में रहते हैं जंगलों में रहते हैं उनकी आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक उन्नति के बल पर भारत का राजनीतिक पैमाना आर्थिक पैमाना नापा जाना चाहिए। आप सभी देखते होंगे कि अभी जो सरकार हमारी चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना भी विकास का एजेंडा विकास का काम उसे भी निचले पायदान पे रहने वाले लोगों के पैमाने पर मापी जाती है। आज पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को चावल देने का काम किया जा रहा है क्यों, उसी पैमाने के आधार पर। आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया क्यों किया गया, उसी पैमाने पर। एक लाल कार्ड बीपीएल परिवार को उसका स्तर कैसे ऊपर उठे, उसको मेडिकल की सुविधा तकलीफ ना हो, आयुष्मान भारत चलाने का काम किया गया। आप जितना चीज भी देखेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय जी का एकांत मानव सबसे जो है निचला पायदान पे रहने वाले व्यक्ति से उसकी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ चक्रधरपुर।